साथियों, अभी 27 सितंबर को नारायणा में एक कार शोरूम कार स्ट्रीट के शोरूम पे शाम को 6:30 बजे फायरिंग का वाकया हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात हमलावरों ने वहां पर पिस्टल से बड़ी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी और काफी सेंसेशनल इंसिडेंट था। इस प्रकरण को और ऐसे सभी प्रकरणों को दिल्ली पुलिस बड़ी गंभीरता से लेती है और इसी श्रृंखला में इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की और बाकी यूनिट्स की भी कई टीम्स लगा दी गई थी इन केसेस पे। इस केस के चार लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो चारों के चारों दे हैव बीन अरेस्टेड। सबसे पहली जो अरेस्ट इसमें हुई थी वो एक स्पेशल सेल की टीम ने, एक अरमान खान करके एक कैरेक्टर था जिसको कंझावला से माजरा डबास थाना कंझावला के एरिया से वहां पर परसों एक शूट आउट के बाद अरेस्ट किया था। साइमल्टेनियसली उसी समय क्राइम ब्रांच ने भी एक दीपक नाम का आदमी था उसको गिरफ्तार किया था। और दो लोग और थे इसमें, जो एक सुमित काला और एक आकाश भोली, ये भाग रहे थे। इनफैक्ट इंसिडेंट के बाद से ही अरमान खान और दीपक ये दोनों अलग चले गए थे, आकाश भोली और सुमित काला जो है ये अलग चले गए। आकाश और ये भागने का इनका सिलसिला था, इन्हें पता था कि पुलिस इनके पीछे बहुत हाथ धो के पड़ जाएगी, तो ये इंसिडेंट के बाद कई जगह भागते रहे। फिर 1 अक्टूबर से यहां से दिल्ली से पहले ये गए जयपुर, इंसिडेंट के बाद जयपुर से फिर ये गए हिसार और हिसार से बाई ट्रेन गए अमृतसर। इंसिडेंट के बाद से लगातार भाग रहे थे, फिर सोनीपत भी आए और फिर फाइनली 1 अक्टूबर को इन्होंने हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन बोर्ड की और निकल गए मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश से ये पहुंचे पुणे, पुणे से फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी कोल्हापुर के लिए और मनमाड़ के पास कल शाम को एक सांगली का एक स्टेशन आता है मीरज के पास एक जंक्शन है, सांगली मीरज जंक्शन है सांगली के पास, वहां स्पेशल सेल की एक टीम ने इनको पकड़ा। इस पूरे ऑपरेशन को डीसीपी प्रणव तायल जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं, सेल इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। और एसीपी संजय दत्त आप परिचित हैं संजय दत्त जी से और इनकी टीम के इंस्पेक्टर दबास से। इस टीम ने डेडिकेटेडली इनको जब से ये इंसिडेंट करके भागे थे तब से जो चेस करना शुरू किया तो उनको बैठने नहीं दिया। इनको कुछ कुछ अंदाज था कि पुलिस हमारे पीछे, सारे पॉसिबल प्रिकॉशंस ये ले रहे थे, उसके बाद भी बड़े मेटिकुलसली पॉइंट बाय पॉइंट एक एक सीसीटीवी से अपने सोर्सेस से और फिजिकल चेजिंग, ये मैं समझता हूँ हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी चेजिंग थी कि आदमी 27 तारीख से भाग रहा है लगातार, उसके पीछे टीम भाग रही है और कल भी ये ट्रेन में इनके पीछे ही चेस कर रही थी। फाइनली जाके इनको आइडेंटिफाई करके सांगली के पास में जो मीरज जंक्शन है वहां से पकड़ा। इसका मोटिव डेफिनेटली रंगदारी था और ये जो कार शोरूम वाला है इससे ये एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट था इनका, 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन करने वाले थे। देखिए ये शूटर्स हैं, ये फुट सोल्जर्स हैं, शूटर्स हैं। टारगेट में जैसे ये लोग ऑलरेडी गुड़गांव में एक वारदात इन्होंने की, उसमें भी वांटेड है, वहां भी एक 307 की वारदात में वांटेड है, और भी कुछ इनके टारगेट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में लाना ठीक नहीं होगा, लेकिन इनके वो टारगेट जो है नेचुरली ये पकड़े गए। इनफेक्ट हिमांशु बाबू रिटौली का पहले भी जो ग्रुप था जिसने जब इन्होंने पहले भी एक सर की एक क्राइम को अंजाम दिया था तो उसके लोग भी सारे के सारे या तो पकड़े गए या कुछ न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये दूसरा इसका जो मॉड्यूल था ये भी हमने सक्सेसफुली बस्ट कर दिया। देखिए ये इनका जो काफी, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं कि काफी सोच समझ के ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। इनको पता है कि जो जुवेनाइल है उसके खिलाफ कानून का रवैया सॉफ्ट है, रिफॉर्मेटरी है, तो इसीलिए जुवेनाइल्स को हायर करते हैं और कई बच्चे जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीके से इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं।
तो हमारी वो कार्रवाई भी चलती है जहां हम लोगों को एजुकेट करते हैं इस बारे में इस तरह के गैंग्स के टच में ना आए। लेकिन फिर भी जहां इस तरह के लोग जो इस तरह के लोगों को जुवेनाइल्स को लेके आते हैं उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन बनता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो भी हम इन्वोक करते हैं। I'll speak on behalf of Delhi Police. In a sense, already we are in touch with MHA for forward. The request, formal request to our sister countries, जो बाकी देश हैं, फॉरेन के देश हैं, उनके साथ में। आपने पास्ट में भी देखा काफी लोग जो हैं दुबई से उनको एक्सट्राडाइट करके लाया गया, ऐसा नहीं लाया गया। दीपक बॉक्सर का भी केस देखा था जहां उसको हम लोग मेक्सिको से लेके आए थे। तो कई बार ऐसा इंप्रेशन आ सकता है कि थोड़ा डिले हो रहा, पर ऐसा नहीं है कि ये कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे, ये जहां भी रहेंगे कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे। उस पर भी कार्रवाई चल रही है। ऐसा एमओ कई केसेस में आता है, पर्टिकुलरली हमने देखा था कि जो इसका गैंग है हिमांशु भाऊ से ज्यादा मैं कहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई का गोदारा वाला जो ग्रुप है उसमें ये कई बार इस तरह की बात आता थी, पर इसके केस में जो इसके पुराने एपिसोड्स हैं उसमें वेपन्स रिकवर हुए। कई बार ये होता है कि ये जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि वेपन ना रिकवर होने दिया जाए, तो साथ में मौके से खोल भी ना रिकवर होने दिया जाए, ऐसी मंशा तो उनकी रहती है।